क्या बात हो गई? मैडम आज अभी तक जागी नहीं, दरवाजा भी नहीं खोला। पहले तो जाग जाती थी। बीमार तो नहीं है? हे भगवान, इसको तो बहुत तेज बुखार है। शंकर भैया, शंकर भैया, क्या हुआ? तुमने मुझे बुलाया क्या? हाँ, कल रात को आप जिस लड़की को लेकर आए, भूल गए क्या? आपकी याददाश्त कम हो गई है क्या? देखो सावित्री कोचे, मैं उस पालने में गया था। उन्होंने कहा कि लोरी तोड़ने को आएगा। सेबेस्टियन ने कहा कि वो कल बाजार छोड़ देंगे। देखो तुम इस तरह मुझ पर क्यों चिल्लाती रहती हो? कल मैंने इस बात को अच्छी तरह से समझाया था ना तुमको कि खाम खा अपने सिर पर बवाल मत लिया करो। ऐसा नहीं है शंकर भैया, उस लड़की को बहुत तेज बुखार है। आप उसके लिए जाकर कोई दवाई लेकर आ जाइए ना, तब तक मैं उसको कॉफी देकर आती हूँ। अब इसका इलाज करोगी? जाओ, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, तुम्हें तो समझाना भी बेकार है। लेकिन ये शंकर ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे भी मुझे दवा लेने तो जाना ही पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं चाचा जी, वो भी इतनी सुबह सुबह? अरे कुछ मत पूछो सुशीला, पैतृक घर में अगर बचत नहीं हुई तो मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ। सुबह सुबह दवा लेने जा रहा हूँ। अरे तो मुझे बुला सकते थे। और जो बीमार है वो है कौन? अच्छा होगा कि ये बात मत करो। कल रात को तो मैं आया था। हाँ। मैंने बहुत कहा कि मुझे लोड नहीं करना, लेकिन सुनी ही नहीं। यहाँ तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। खैर छोड़ो, मुझे जाने दो। आखिरकार वो एक इंसान ही है ना, उसके लिए दवा खरीद देता हूँ। शंकर को इससे कोई आपत्ति नहीं है। आज का समय ही ऐसा है, अच्छा करोगे तो अंदर जाओगे। सावित्री चाची, सावित्री चाची। हाँ हाँ। चाची कौन बीमार है आपके घर में? सुशीला, तुमको इतनी जल्दी खबर कहाँ से मिल गई? अभी रास्ते में चाचा जी मिले थे, उन्होंने बताया। कल रात को यहाँ पर एक लड़की मिली थी, देखो वो उस कमरे में है, आओ। मैडम, ये तो वही गरीब लड़की है, मुझे इसका नाम भी नहीं पता। ये बाजार में मुझसे खो गई थी। पता नहीं इसके साथ ये सब क्या हुआ। लगता है इसके साथ किसी ने बदतमीजी करके फेंक दिया होगा। बेचारी लड़की, मैं शाम को आके इसे अपने साथ ले जाऊंगी। तब तक यहीं सोने देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये रात से थोड़ी ठीक है। शंकर भैया दवा लाने गए हैं। ओ ठीक है, सो जाओ। अब मैं चलती हूँ चाची। शिवा, खाते में लिख देना। ठीक है। अरे सुनो, वो लड़की कहाँ चली गई? कोई उसे लेके चला गया क्या? सुबह से वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ से आई थी मालूम नहीं, कहाँ गई वो भी मालूम नहीं है। गई होगी कहीं। मैंने बाहर उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं दिखी। क्या करें, यही इस देश की बदनसीबी है। परिवार वाली लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है तो फिर जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं तो उसका क्या बोले। अब जिसका कोई नहीं है अब उसका तो भगवान ही भरोसा है, वही कुछ कर सकते हैं उसके लिए। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे भगवान ने ऐसे जन्म को क्यों जन्म दिया है? इस दुनिया में हर किसी का जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। अल्लाह ने उसे भेजा है तो उसका कुछ उद्देश्य होगा ही। हाँ ये अलग बात है कि हम उसे समझ नहीं पाते, ऐसा ही होता है। वैसे ठीक है ना? अरे तू जा और जाकर बर्तन साफ कर। चल जा। अरे वो तैयार नहीं है, उसे मत तोड़ो। ओहो, कहने के बाद भी नहीं सुनती है। पता नहीं कहाँ से आई है ये लड़की।
लगता है पूरी रसोई पर राज करेगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ फिर भी मेरी बात नहीं सुन रही हो। अरे इतनी जोर से उसे मत खींचो, अगर उसको खींचोगी ना तो सिर्फ फल ही नहीं पौधा भी हाथ में चला आएगा। अजीब लड़की है ये, सारे पौधे उखाड़ कर रख देगी। सावित्री कोच्चे सुनेंगी तो कहेंगी जाने दो ना शंकर भाई। क्या बात है शंकर चाचा, आज हाँ। तो बहुत खुश लग रहे हैं, नई दोस्त मिल गई है क्या? ओ इतनी खुश हो कि उछल रही हो, क्या बात है। नहीं नहीं मुझसे कुछ मत कहना। सुनो सुशीला, करौंदा और बड़े लोगों के शब्द एक जैसे हैं। पहले हाथ के लिए फिर मिठाई। हाँ वो तो मैं समझ रही हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, इसे अपने साथ रखते हैं और इसकी देखभाल भी करते हैं। हाँ वही, मेरे ऊपर जैसे मिठाई लगी हो वैसे चींटियां आती हैं। मैं तुमको बताऊंगा, मैं उनको भी बताऊंगा जिनको बताने की जरूरत है। हाँ। मेरी बात सुनो शंकर चाचा, ना बहुत अच्छे हैं, तुम उन पे गुस्सा मत करना, वो एक अच्छे इंसान है। तुम्हें ये सब पसंद है क्या? पता है शंकर चाचा एक अच्छे किसान भी हैं। ये काम तुम्हारे लिए भी अच्छा है। चलो अब घर चलते हैं। चलो बहुत देर हो गई है। ये क्या पागलों की तरह इसे गिने जा रही हो? पहले क्या ऐसी सब्जियां नहीं देखी तुमने? चलो तुम यहाँ से जा रही हो, लेकिन चिंता मत करना, जब तुम्हारा मन करे तुम वापस आ जाना। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या है चाची? अरे कुछ नहीं, कुछ पुराने कपड़े हैं। हाँ इतना काफी है, चलो ठीक है। चलो